दोस्तों आपको 12 सेंटीमीटर 45 mm का पीवीसी पाइप लेना है। दोस्तों अब हम पीवीसी पाइप को एक तरफ से हीट कर लेंगे। आप चाहे तो चूल्हे का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी हीट गन का यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों अच्छी तरह से गर्म होने के बाद हम लोग इसको अच्छे से कोई सी चीज़ से प्रेस कर देंगे। गैस प्रेस करने के बाद देख सकते कितने अच्छे से ये सीधा हो चुका है। एंड दोस्तों अब चलते इसमें एक ड्रिल करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से हमने इसमें ड्रिल कर लिया है, ये एकदम परफेक्ट होल है। दोस्तों आपको एक गियर मोटर ले लेना है, इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से बाय कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। एंड दोस्तों अब हम इसको इसमें फिट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं, कुछ तरह से फिट करेंगे। एंड दोस्तों आपको एक पीवीसी पाइप का 45 mm का एक गोल कटिंग करके एंड इसके साइज का आपको ले लेना है पीवीसी पाइप के। फिर दोस्तों इसमें हम लोग एक ड्रिल कर लेंगे, एक छेद कर लेंगे होल। फिर हमें एक कनेक्टर चाहिए, एक डीवीडी कनेक्टर आप ले लीजिएगा, आपके पास जैसा कनेक्टर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस ये इसका माइनस है एंड वो आपका पॉजिटिव है, ठीक है दोस्तों। एंड अब हम लोग मोटर में इसमें सोल्ड कर देंगे कनेक्टर के जो वायर है। सो दोस्तों कितना सिंपल कनेक्शन आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों चलते हम इसको हम असेंबल करते हैं। गाइस अब हम कनेक्टर को इसमें लगा देंगे ग्लू गन की मदद से। दोस्तों अब हम इसमें एक एलईडी इंडिकेटर भी लगा देंगे, 3 mm का हम रेड एलईडी यूज़ कर रहे हैं। एंड इसको भी ग्लू गन से यहाँ पे चिपका लेते हैं। फिर दोस्तों आपको माइनस के साथ माइनस में जोड़ देना है एलईडी के, एंड पॉजिटिव को एलईडी के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक 1K का रजिस्टर लगा लेंगे पॉजिटिव के साथ एलईडी के। एंड दोस्तों देख सकते हैं हमारा कनेक्शन पूरी अच्छे से रेडी हो चुका है। एंड चलते हैं अब इसको हम सेट करते हैं अंदर में। सो गाइस अब हम पीवीसी पाइप में ग्लू लगा लेंगे एंड इसमें भी ग्लू लगा लेंगे एंड इसको अच्छे से चिपका लेंगे। एंड फ्रेंड्स ये लास्ट का कैप बचा पड़ा, इसको भी लगा लेते हैं। एंड अब हम एक व्हील ले लेंगे, इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड एक कैप में हम लोग लेंगे एंड व्हील पे एक ग्लू लगाएंगे फेविक्विक सॉरी। एंड अब हम इस कैप को अच्छे से यहाँ पे चिपका लेंगे। एंड दोस्तों अब हम लोग डिस्पेंसर ब्लू वुल ले लेंगे, आप इसे 15 रुपये में बाय कर सकते हैं, कहीं से भी आपके नज़दीकी दुकान में मिल जाएगा। एंड दोस्तों अब हम व्हील के साइज की इसका गोल कट कर लेंगे मार्कर से, इसमें हम लोग गोल निशान लगा लेते हैं। एंड चलते हैं अब इसको हम काट लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको काट लिया है। एंड अब हम इसको अब चिपका लेते हैं फेविक्विक की हेल्प से। एंड दोस्तों देख सकते हैं हमारा पूरा अच्छे से ये रेडी हो चुका है। एंड अब हम इसमें लगा देते हैं। एंड चलते इसको टेस्ट करते हैं। गाइस ये 12 वोल्ट का पावर सप्लाई है, मैं इसको 12 वोल्ट का पावर दूंगा चलाने के लिए। एंड गाइस देख सकते हैं कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है। एंड गाइस देख सकते हैं एलईडी इंडिकेटर भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड गाइस चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग सर्फ का यूज़ कर रहे हैं अभी। एंड चलते इसको साफ करते हैं अब हम अच्छे से। गैस मैंने नीचे एक बर्तन रख लिया ताकि यार यहाँ पे पानी पानी ना हो, मैं यहीं पर आपको साफ़ करके दिखा रहा हूँ यार, आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने यहीं पे साफ़ करा है इसको। एंड गाइज आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो रखा है।
गाइस देख सकते हैं आपको मशीनों के जो धब्बे दिख ही रहे हैं कितने से साफ़ हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा परफेक्ट है ये। गाइस आप इसका बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं साफ़ करने में इस मशीन का, ठीक है। एंड अगर आपको बनाने में कोई भी तकलीफ हो रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। बाय बाय।